हेलो दोस्तों, मैं हूँ तेजस और आप देख रहे हैं मेरे वाला यूट्यूब चैनल ट्रैवल तेजा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं लॉन्ग ड्राइव पर। तो देखिए आप, ये देखिए, ये लेपोर्ड का पोस्टर है। वासदा नेशनल पार्क है दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ, ये आप सिर्फ ये बोर्ड देखोगे ना, रोड के साइड में लगाए हुए, वो देख कर ही आपको दिल खुश हो जाएगा। चाहे ओरिजिनल वाला आपको ये जानवर या बोलते हैं प्राणी आपको मिले या ना मिले दोस्तों, लेकिन ये नज़ारा सिर्फ हम अपनी नज़र से देखते हैं तो ही लगता है कि क्या नज़ारा है दोस्तों। तो ये नज़ारा देख के ही अपना तो दिल खुश हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये बोर्ड ही वो भी जंगल में लगाए गए हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ ज़्यादातर ऐसे जंगली जानवर तो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या है दोस्तों कि यहाँ आपको बंदर कभी शाम के टाइम को रोड पे निकल आते हैं कुछ खाने की तलाश करते हुए। तो आप लगभग 4-5 या 5-6 बजे तक आपको ये वगैरह से लेके वास्ता रोड तक आपको बंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा तो रात के टाइम को, मेरे हिसाब से, मेरे को मालूम है, तब तक रात को ही निकलते हैं प्राणी, लेपर्ड बोलते हैं वो, उसको क्या डिपड़ा बोलते हैं वो दोस्तों। तो देखिए ये ट्रिप। तो दोस्तों बात करते हैं, जो भी इंसान को ऐसे पहाड़, नदी और पेड़ ऐसे जो नज़ारे अच्छा लगते हैं, वही उसको ये वीडियो अच्छा लगेगा। क्योंकि दोस्तों ये देखिए, मेरे को तो ये साइड पर बर्ड, जो पशु पक्षी के बर्ड हैं, ये देख के ही बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। यहाँ आदिवासी हर जगह पे छोटे छोटे पत्थरों या मंदिर जैसा बनाकर वहाँ पूजा करते हैं। ये देखिए यहाँ मोर का बॉल लगाया गया है दोस्तों। मेरे को लगता है इधर ये बॉल लगाने का भी कुछ मालूम नहीं है क्या है, दो कारण हो सकते हैं। कहाँ तो ऐसे ही लगाए होंगे ये लोगों ने, कहाँ तो इधर ये इलाके में ये प्राणी, लेकिन प्राणी का क्या है, वो तो अपने आप अपने पर चलता है, कहाँ चलते हैं अपनी मर्जी से घूमते हैं वो, इसलिए ये ऐसे ही लगाए गए होंगे। तो दोस्तों देखिए, वगई का मैन एंड डेंजरियस इलाका आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए ये कितना डेंजर इलाका है, ये लगता है यहाँ एक बार क्या हुआ था दोस्तों मेरे साथ। यहाँ मैं अपने फ्रेंड के साथ एक बार सबरी डैम के लिए घूमने के लिए गया था, तो ऐसी जगह आगे पेट्रोल खत्म हो गया था मेरा दोस्तों, के बीचों बीच ये ना उधर जा सकता था ना इधर आ सकता था। और रात को करीब 8 बज गए थे लगभग, हम इतना अंधेरा हो गया था, यहाँ जंगल है और आप भी देख सकते हैं कितनी डरावनी जगह लगती है यहाँ पे। तो हुआ था यूँ दोस्तों कि पेट्रोल बीचों बीच कि इधर भी सेम जाना पड़ेगा और उधर भी, तो ऐसी जगह में मैंने एक बाइक वाले को मैंने हार्ट किया था और उसको बोला था कि भाई मेरे को गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है। तो वो बाद में अपने गाड़ी से धक्का मार कर हमको वहाँ आगे की और दुकान पे हमको ले गया था दोस्तों। आप देखिए ये सीन कैसा लगता है आपको, ये देखिए इतना डेंजर मस्त सीन है। ये दिन में अच्छा लगता है, रात में डरावना लगता है दोस्तों। देखिए क्या नज़ारा है, आपको आके दिल खुश हो जाता है। देखिए क्या सीन है, ओनली जंगल इज माय बेस्ट एरिया दोस्तों। क्या रोड है, ऐसा लगता है पूरी लाइफ इधर ही बाइक में चलाता रहा हूँ, इधर ही अपनी जिंदगी का क्या रनिंग है। पेड़ और वो क्या बोलते हैं, इतना मस्त लगता है नज़ारा दोस्तों। तो देखिए आप ये वीडियो।
दोस्तों देखे आप वास्ता का राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ जंगल में जंगली प्राणी है जानेरू। ये भी अभी लॉकडाउन में बंद है लगता है। तो दोस्तों देखिए, अब अपने बाइक में हो गया है पंचर। तो क्या हुआ दोस्तों कि हम कुछ थोड़ा नाश्ता वास्ता करने के लिए एक दुकान पे रुके थे। तो दोस्तों वहीं से जैसे ही हम बाइक स्टार्ट किया और थोड़े आगे निकले कि बाइक डोलने लगी। तो मेरे को जो बाइक चला रहा था उसने बोला कि लग गए, मतलब कि पंचर हो गया। तो इतना अच्छा हुआ हमारे साथ दोस्तों कि थोड़ी दूरी पर 10-15 कदम आगे चलने के बाद ही हमें जो पंचर वाला था वो मिला दोस्तों। तो इसलिए हमें बाइक को ज़्यादा धक्का नहीं लगाना पड़ा दोस्तों। ये हमको अच्छा फ़ायदा हुआ कि पास ही में। तो बाद में हम निकल पड़े दोस्तों। ये देखिए, ये आता है मकर ध्वज, इसको मकर ध्वज बोलते हैं दोस्तों। और हम निकल पड़े आगे गिरा डोज जाने के लिए दोस्तों। तो रास्ते में क्या क्या आता है दोस्तों आपको हम दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ से गिरा डोज वगै से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर आता है दोस्तों। नज़ारा एकदम मस्त है यहाँ। ये रोड पर भी आपको बंदर शाम के टाइम को खाना ढूंढते हुए निकल आएंगे। 50-100 बंदर तो आपको दिखे जाएंगे रोड पे दोस्तों। तो देखिए यहाँ चढ़ाई करने का दिखाया गया है दोस्तों। यहाँ मंदिर टेंपल भी आ रहा है दोस्तों। देखिए ये मेरे हिसाब से हनुमान दादा का ही टेंपल है दोस्तों। ये देखिए नज़ारा। तो दोस्तों बात करते हैं हम, ये नज़ारा जो हमारे दिल को खाली कर देता है, दिल को क्या हमारे दिमाग को भी। वहाँ जाने से ही, सिर्फ वो इलाके में पैर रखने से ही हमारा दिल दिमाग सब खुला हो जाता है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ नर्सरी भी है, ये लोग वहाँ उच्छेद केंद्र बनाकर नर्सरी उच्छेद है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है बोटानिकल गार्डन दोस्तों। यहाँ आप लोग अपने फैमिली के साथ आकर अंदर तो हम नहीं गए, लेकिन मैं एक बार गया था तो आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अंदर छोटी है, बच्चों के लिए गार्डन है दोस्तों, मस्त है।